सब्सक्राइब कर लीजिए डीआईवाई दिव्या चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये है वो चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी और इसका नाम है कैम्फर कोन। ये 100% ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें और नेचुरल चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद करती हूँ हर मामले में। भी जानते हैं विंटर्स में धूप की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारे कपड़ों वगैरह में स्मेल सी आने लगती है, वार्डरोब में और जो भी आप बोल रहे रूम में, वॉशरूम में। तो इस चीज से ये आपको छुटकारा दिलाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि मैं इसको यूज कर चुकी हूं इसलिए मैं आपसे बोल रही हूं। और इसमें पीछे दिया भी हुआ है कि आप इसको किन किन जगह पर यूज कर सकते हैं, इसके पीछे इमेज सी बनी हुई है। तो आप इसमें वार्डरोब में, अपनी कार में, वॉशरूम में और बेडरूम में, कहीं भी आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने इसके 3 पैक मंगाए हुए थे, तो 2 मैंने यूज कर लिए हैं, 1 अभी तक नहीं यूज किया है। अभी मैं इसको खोलूंगी, देखूंगी मुझे कहाँ पर यूज करना है। मेरे यहाँ 1-2 मच्छर थे तो उससे मुझे रिलीफ मिल गया है। मैंने इसको अपने जो सोफा कम बेड है उसके पास लगाया हुआ है, क्योंकि मैं वहीं पर लेटती हूँ बाहर वाले रूम में, और एक मैंने अपनी अलमीरा में लगाया हुआ है। तो ये दोनों जगह पर ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अलमीरा जब भी खोलती हूँ एक बहुत अच्छी सी कैम्फर की स्मेल आती है, तो मैं इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ। और आप भी इसको यूज करके जरूर देखना, क्योंकि नेचुरल चीजें हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको खोल करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि जैसे कि इसका नाम है कैम्फर कोन, तो जैसे मेहंदी की कोन टाइप की नहीं होती है, तो सेम वैसी फीलिंग आ रही है कि ये मेहंदी की कोन जैसी बनी हुई है। और ये रेड कलर के पेपर में इस तरीके से रैप है, और जब आपको यूज करना है तो ये यहाँ से धागा है इसको हटा दीजिए, और इस पन्नी को हटा करके इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के लिए कुछ आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले सोच रही थी मैं इसको हैंग कैसे करूंगी, तो जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो आप इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको यूज करने जाएं, इसकी जो ये ऊपर वाली पन्नी है ये हटाना ना भूलें। इसको हटाने के बाद ही इसको आप जहां पर चाहें आप हैंग करें, और ये देखने में भी बहुत क्यूट सी लग रही है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया सच में, मैं तो इसको दोबारा भी मंगवाने वाली हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। और ये मैं इसको यूज कर रही हूँ, 15 से 20 दिन मुझे हो गए हैं इसको यूज करते करते, और इसकी स्मेल आ रही है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन लगाने के बाद इसकी स्मेल उड़ गई हो, बिल्कुल ना आ रही हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ स्मेल वाली चीज लाते हैं और 1-2 दिन बाद उसकी स्मेल चली जाती है, बट इसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। इसकी स्मेल वार्डरोब में भी आती है और रूम में भी आती है। यहां तक हो सकता है मैं वॉशरूम में इसको लगा करके देखूंगी, क्योंकि जब ये वार्डरोब में और रूम में इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो ये 100% वॉशरूम में भी बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे कि ये ऑब्वियसली कैम्फर है, इसमें कपूर की स्मेल आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुला कपूर ऐसे रख करके देखूं, उसमें भी स्मेल आएगी। बट खुले कपूर की स्मेल इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, और साथ ही साथ तो मेरी एक छोटी सी बेटी है, अगर कहीं कपूर गिर गया इधर उधर, कहीं उसने उठा लिया तो वो टेंशन भी मुझे थी दिमाग में। तो ये तरीका बेस्ट है और मैं इससे बहुत खुश हूँ सच में। आप लोग भी इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। इस तरीके से यहाँ पर धागा दिया हुआ है, गाइस सिंपली आपको ये खोल लेना है। पन्नी को हटाते ही एक चारों तरफ कैम्फर की स्मेल फैल गई है। तो चलिए मैं इसको वॉशरूम में हैंग कर लेती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस कोन को ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।